वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेज. द नेक्स्ट चैप्टर इज रिव्यूइंग कंटेंट, सेशन नंबर 9. यू शुड ऑलवेज रिव्यू योर कंटेंट बिफोर प्रेजेंटिंग इट बिफोर एन ऑडियंस. कि अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन को किसी के सामने प्रेजेंट करना है, उससे पहले अपन को क्या करना चाहिए, अपने प्रेजेंटेशन को रिव्यू करना चाहिए. एनीबडी कैन बिकम एन इफेक्टिव प्रेजेंटर ऑफ टॉपिक्स बाई फॉलोइंग सेट ऑफ स्किल इन द गिवन इन हियर. कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जिसके अबाउट आपको ये देखना चाहिए कि अपन को क्या क्या अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद अपन को रिव्यू क्या क्या देखने चाहिए उसके, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर अपन को टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे. इसमें देखिए जो दे रखा फर्स्ट दे रखा वो दे रखा नो योर टॉपिक. कि जब अपन कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके टॉपिक्स को अपन को क्या करना चाहिए, अच्छे से जान लेना चाहिए कि वो अपन किस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं, अपन कह सकते हैं किस टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं. मेकिंग ए गुड प्रेजेंटेशन इज ओनली हाफ द जॉब डन. आपने अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, ये आपका हाफ फॉर कंप्लीट होता है. प्रेजेंटिंग द टॉपिक्स टू द ऑडियंस इफेक्टिवली एंड करेक्टली इज रिमेनिंग द हाफ. इट मीन्स कि आप अपने जो कंटेंट है उसको इफेक्टिवली या अपन कह सकते हैं करेक्टली अगर आप उसको प्रेजेंट करते हो देन ये आपका हाफ जॉब होगा. तो सबसे पहले तो हाफ अपन का काम क्या होगा, प्रेजेंटेशन बनाना, और देन उसके बाद में पर्टिकुलर जो ऑडियंस तक अपन को उसको डिलीवर करना है वो अपना हाफ जॉब होगा. तो ये अपन को ध्यान में रखना चाहिए. नेक्स्ट आता है वो आता है चूज इफेक्टिव फ्रेजेस फॉर ईच स्लाइड. कोई भी स्लाइड है उसके लिए जो फ्रेजेस अपन काम में लेते हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए. इट मीन जो भी अपन कंटेंट वहाँ पे लिखते हैं, जो भी सेंटेंस अपन लिखते हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए. इफ़ यू यूज ए पावरफुल फ्रेज देन इट वुड बी पॉसिबल टू रिमेंबर अ पार्ट ऑफ स्लाइड ड्यू टू द फ्रेज. अगर आपने कोई पावरफुल फ्रेज का यूज किया है, इट मीन्स आप स्लाइड के किसी भी पार्ट को ऑडियंस आसानी से याद कर पाए, ऐसा कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस यू आर टॉकिंग योर वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट टू ऑडियंस एंड दे कैन यू कैन गाइड देयर अटेंशन बेस ऑन व्हाट यू से. आप जिस क्या आप कहना चाहते हैं इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, अटेंशन उनसे ले सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है अवॉइडिंग राइटिंग टू मच इन वन स्लाइड. एक स्लाइड में बहुत ज़्यादा आपको राइटिंग करनी नहीं चाहिए. देर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ स्लाइड कैन यू हैव. क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड है उसका तो कोई ऐसा है नहीं कि भी आपको इतनी स्लाइड लेनी है, कोई लिमिटेशन नहीं है. सो डू नॉट अफ्रेड एंड ब्रेक अप लेंथी आइडिया इनटू मोर देन वन स्लाइड. तो आप क्या करें कि अपने जो लेंथी आइडियाज है उसको एक से ज़्यादा जो स्लाइड है उसके अंदर ब्रेक कर दें. इट मीन्स अपने कंटेंट को एक से ज़्यादा स्लाइड के अंदर अपन रख सकते हैं. नेक्स्ट आता है वो आता है प्लान द लेआउट ऑफ द स्लाइड. कि आप अपने जो स्लाइड के लेआउट का प्लान जरूर करें. मेक योर स्लाइड इजी टू फॉलो. इंपॉर्टेंट टॉपिक शुड बी नियर द टॉप. कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको टॉप में रखें, ठीक है. फ्लो ऑफ द टॉपिक शुड बी लेफ्ट टू राइट. अपने टॉपिक का फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट करें, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेआउट यहाँ पे सेट करना होता है. नेक्स्ट आपको दे रखा है वो दे रखा अवॉइड गॉडी फॉन्ट्स. इन अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन यू शुड स्टीयर द क्लियर ऑफ टू मच वेराइटी इन द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी प्रेजेंटेशन उसका स्टाइल क्लियर होना चाहिए. यूज फॉन्ट विच इज एलिगेंट एंड लुक्स ऑगस. इट मीन्स अपने जो भी फॉन्ट है वो अच्छे तरीके से दिखे, ग्लोरियस दिखे, सुंदर दिखे, वैसे आपको फॉन्ट यूज करनी चाहिए. हाउ एवर यू मस्ट कीप द स्टाइल ऑफ द कंटेंट कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन. कि आप अपने कंटेंट वो कंसिस्टेंटली आपके क्या रहें, अच्छे से आपको शो करें, ऐसी कोई स्टाइल अपन उस यूज करें, ऐसे फॉन्ट अपन यूज करें. तो अपन फॉन्ट कहने का मतलब ये है कि गॉडी फॉन्ट्स अपन को यूज़ नहीं करने हैं, नॉर्मल अपन को फॉन्ट यूज करने हैं जो आसानी से रीड कर पाए यूजर और आसानी से उस प्रेजेंटेशन को समझ पाए. नेक्स्ट इज यूज कॉन्ट्रास्टिंग कलर फॉर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड. देखिए बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो मस्ट होता है यहाँ पे. क्योंकि अगर अपन जनरली अपन बात करें कि अगर अपन को अपने जो कंटेंट है उसको शो करना है तो कलर कॉम्बिनेशन अपना होना जरूरी है. तो देखिए कलर यूज इन प्रेजेंटेशन शुड हैव क्वालिटी दैट दे शुड एड विजिबिलिटी. कि अपने जो भी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी कि आपने आपके जो फॉन्ट है वो अपने प्रॉपरली शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. द टेक्स्ट कलर शुड बी डार्क इन कलर. आपके टेक्स्ट कलर डार्क होने चाहिए एंड द बैकग्राउंड कलर शुड बी लाइट. बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए. कीप द कलर ऑफ द स्लाइड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन. जो कलर है स्लाइड का वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है. तो इसका मतलब अपन को चेंज भी नहीं करना चाहिए बैकग्राउंड कलर को. बैकग्राउंड कलर आप हर एक स्लाइड के लिए क्या रखें, सेम रखें, वो ज़्यादा अच्छा है.
नेक्स्ट दे रखा है, वो दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, यूज अ स्लाइड डिजाइन टेम्पलेट टू कीप योर प्रेजेंटेशन लुक कंसिस्टेंट, कि आपके स्लाइड डिजाइन है उससे आपका जो लुक है वो कंसिस्टेंट होता है, तो अपन कैसे यूज करें, यूज अ सिंगल बैकग्राउंड ऑन ऑल स्लाइड, हर एक स्लाइड पे अपने जितने भी प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी स्लाइड बना रखी है उन पे बैकग्राउंड ऑफ सेम रखें, डू नॉट यूज डिफरेंट बैकग्राउंड विद डिफरेंट स्लाइड, व्हाइल दिस मे लुक स्टाइलिश इजी फॉर ऑडियंस टू लॉस फोकस ड्यू टू द वैरायटी बैकग्राउंड, कि अगर आप अलग अलग बैकग्राउंड रखेंगे तो जो ऑडियंस है उनका जो फोकस है वो वहाँ पर रहेगा नहीं, इसलिए अपन क्या करें कि जो भी अपन बैकग्राउंड काम में लेते हैं वो क्या करें अपन सेम ही काम में लें, इसलिए कहते हैं कि डिजाइन अपन जनरली काम में लेते हैं वो सेम ही काम में लें। नेक्स्ट दरका वो दरका यूज एनिमेशन एंड ट्रांजिशन स्प्रिंगली, अब एनिमेशन है या ट्रांजिशन है उसको स्प्रिंगली यूज करें, While it may look flashy to use animation and transition in the slide, the audience may find this distracting. It means कि आपका जो भी look है वो flashy look होना चाहिए, interactive look होना चाहिए, या अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अपन ने कोई animation दिया, कोई भी transition दिया, तो वो अपन properly उसको set करें, या अपन कहते हैं कि जो animation अपन ने काम में लिए हैं वो अच्छा हो, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं होगा देन क्या होगा कि आपने जो भी आपने ऑडियंस है उसमें क्या होगा, डिस्ट्रैक्टिंग होगा, तो आपके ऑडियंस आपसे डिस्ट्रैक्ट ना हो इसके लिए अपन क्या करें, एनिमेशन और ट्रांजिशन को स्पेरिंगली यूज करें। नेक्स्ट आपको देखा है कि इतने अगर अपन ने जो भी पॉइंट्स अपन ने देखे हैं उनको देखने के बाद अपन क्या देखें इसके अलावा प्रेजेंटेशन के अंदर, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी दे रखे हैं, आफ्टर द फॉलोइंग दीज रूल्स आर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन यू मे प्रोसीड रिव्यूइंग द प्रेजेंटेशन, फॉलो द फर्दर गाइडलाइंस इन द रिव्यूइंग द प्रेजेंटेशन। अब इसमें कौन कौन से अपने अपन को देखने होते हैं, जिसमें देखा है डू ए थ्रू स्पेल चेक अक्रॉस ऑल स्लाइड, कि अपन क्या करें जो भी स्पेल चेक है वो सारी स्लाइड में कंप्लीट करें, परफॉर्म द मैनुअल स्पेल चेक फॉर टर्म्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेल चेक, कि आप मैनुअली उन स्पेल को भी चेक करें जो आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर के अंदर आपको नहीं दे रखे, इट मीन्स जो कुछ एक ऐसी टर्म्स होती हैं, सच टर्म्स कैन बी टेक्निकल टर्म्स नॉट इंक्लूडेड इन द मोस्ट डिक्शनरी, कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको जो डिक्शनरी में ऐड नहीं है उनको भी आप क्या करें देखें। रिमूव द इररिलेवेंट कंटेंट ऑन द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, कि आपके कोई भी इररिलेवेंट कंटेंट है उसको आप क्या करें वहाँ से रिमूव करें, जो अनावश्यक आपके स्लाइड के ऊपर उसको अपन वहाँ से हटा दें, लाइक पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, टर्म्स एट्सेट्रा, ठीक है, इफ़ दे आर नॉट रिक्वायर्ड, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं हो तो उनको अपन को हटा देना चाहिए। तो ये है कुछ रिव्यूइंग कंटेंट जो अपन को स्लाइड बनाने के बाद देखने होते हैं। ओके, थैंक यू।